नमस्ते, मैं पिंकी शर्मा और आप देख रहे हैं लेट्स डू योगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही जरूरतमंद टॉपिक है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है। आजकल एक वायरस फैला हुआ है जिसका नाम है कोरोना वायरस, जिससे बचे रहने के लिए आपकी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आपका शरीर किसी भी बीमारी से लड़ सकता है। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आपका शरीर काफी सारी बीमारियों से घेरा जा सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, योगा में आप कौन कौन सी एक्सरसाइज क्रिया कर सकते हैं वो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। सो जल्दी से बिना स्किप किए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें। नाउ हम स्टार्ट करेंगे प्राणायाम, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डीप ब्रीदिंग। ध्यान मुद्रा लगाते हुए दोनों हाथों को सॉफ्टली नीज के ऊपर रखेंगे एंड आईज क्लोज करते हुए स्लोली इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल। स्लोली एंड डीप इनहेल, स्लोली एंड एक्सहेल कंप्लीटली। पूरा लंबा गहरा सांस आपको भरना है और पूरा सांस आपको बाहर निकालना है। बेसिकली आपको लंग्स को एक्सपेंड करना है इनहेल करते हुए एंड एक्सहेल करते हुए रिलैक्स करना है। इस एक्सरसाइज को आप 2-3 मिनट्स करेंगे स्टार्टिंग में, धीरे धीरे आप टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम को बहुत ही पावरफुल प्राणायाम माना जाता है। ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। इसमें इनहेल एक्सहेल दोनों में आपका हल्का सा फोर्स लगेगा। श्वास को अंदर भरना है आपको थोड़ा सा फोर्स के साथ एंड श्वास को छोड़ना है आपको थोड़ा सा झटके के साथ, कुछ इस तरीके से। इसे हाथों के सपोर्ट से भी किया जा सकता है। हाथ ऊपर ले जाते हुए हम श्वास को अंदर भरेंगे और जैसे ही हाथ आपके नीचे आएंगे फोर्स के साथ आप एक्सहेल करेंगे, कुछ इस तरीके से। इसे भी आप स्टार्टिंग में 2-3 मिनट करेंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे पहले राइट हैंड से होता है। लेफ्ट हैंड से हम ध्यान मुद्रा लगाएंगे एंड राइट हैंड से, राइट थंब से राइट नोस्टल को बंद करेंगे, आईज क्लोज, पूरा बॉडी पे ध्यान लगाते हुए लेफ्ट से स्लोली इनहेल एंड देन राइट से स्लोली एक्सहेल। अगेन राइट से ही स्लोली इनहेल एंड लेफ्ट नोस्टल से एक्सहेल कंप्लीटली। मतलब जिस नोस्टल से आप श्वास को बाहर निकालेंगे उसी नोस्टल से आपको श्वास अंदर लेना है। यही इस प्राणायाम का सिंपल सा तरीका है। अगर आप इस प्राणायाम को करते करते भूल जाते हैं तो आप एक सिंपल सा तरीका याद रख सकते हैं कि जिस नोस्टल से आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे उसी से आपको श्वास अंदर भरना है। मतलब जिस नोस्टल से आप एक्सहेल करोगे उसी नोस्टल से आपको इनहेल करना है। आपको वीडियो देखते हुए लग सकता है कि मैं लेफ्ट हैंड को यूज़ कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैं राइट हैंड से प्राणायाम कर रही हूँ। मेरा फ्रंट कैमरा है तो आपको दिखने में लग सकता है कि मैं लेफ्ट हैंड से कर रही हूँ, बट ये प्राणायाम राइट हैंड से होता है। अगर बीच में आपको हाथ में दर्द होने लगे तो आप लेफ्ट पाम से राइट एल्बो को इस तरीके से सपोर्ट भी कर सकते हैं। किसी को भी ये प्राणायाम हाथ को इस तरीके से नीचे कर नहीं करना और किसी को भी ये प्राणायाम कमर को इस तरीके से झुकाकर नहीं करना। आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, आपका हाथ ऊपर की तरफ उठा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जो श्वास आप छोड़ोगे अगर वो आपके हाथ से या बॉडी के किसी भी पार्ट से टकराता है तो वही श्वास अंदर जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका हाथ ऊपर की तरफ रहे और जो श्वास आप छोड़ रहे हो वो बॉडी के किसी भी पार्ट से टकराने ना पाए। नाउ नेक्स्ट प्राणायाम हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम आज के समय में
सभी बच्चे बच्चे को आता है, बट फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो मैं बता देती हूँ। इस प्राणायाम को करने का एक सिंपल सा तरीका है, श्वास बाहर पेट अंदर। पेट को अंदर थोड़ा झटके के साथ हम लेके जाएंगे और श्वास बाहर जाएगा। तो बेसिकली आपको श्वास छोड़ने पे फोकस करना है। जब पेट अंदर जाएगा झटके के साथ और जब बाहर आएगा तो इनहेल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो बेसिकली आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्सहेलेशन पे करना है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं आपको कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताऊंगी। सो फर्स्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट, आपकी जो रिंग फिंगर होती है उसके बिल्कुल टिप पे आपको प्रेस करना है। अंगूठे से आप दबाव डालोगे और थोड़ा सा आपको चुभना चाहिए, इतना दबाव आपको डालना है, सॉफ्टली आपको नहीं करना है। नेक्स्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी एल्बो एंड रिस्ट के बिल्कुल सेंटर में आपको प्रेस करना है। सेम अंगूठे से आपको दबाव डालना है थोड़ा तेजी से। दोनों ही पॉइंट्स को आप दिन में 2 बार 2-2 मिनट के लिए दबाएंगे।